नमस्कार। आज हम दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल नामक कविता का सारांश और उसकी सहप्रसंग व्याख्या आज के विषय पर करेंगे। सबसे पहले कविता का सार बता देती हूँ। दुष्यंत कुमार की यह गजल जन जागरण का संदेश देती है। कवि देश की दुरावस्था देखकर निराश है। आज़ाद भारत में उन्होंने सपना लिया था कि अब हर घर में रोशनी होगी, परंतु हुआ यह कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था के बारे में उन्हें कष्ट ही कष्ट हर स्थान पर नज़र आते हैं। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है। दिल करता है यहाँ से कहीं और चले जाएं। यहाँ के लोग ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित हैं कि वे हर अभाव को चुपचाप सहन कर लेते हैं। ये कमीज के न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते, बल्कि अपने पांवों से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। ये लोग खुदा को एक हसीन नज़ारे के समान मन में पाल करके रखते हैं और उसी सपने के सहारे इनकी पूरी जिंदगी कट जाती है। कवि की कोशिश है कि इन सभी शोषितों की आवाज़ में विद्रोह हो, यानी वो अपने शोषण का विद्रोह करें और प्रभाव हो, विद्रोह का प्रभाव हो उनमें, शोषित जो लोग हैं। जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर कभी पिघल नहीं सकता। राजनीतिक नेता कवि की विद्रोही आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं। अब कवि का निश्चय यह है कि वह क्रांति की आवाज़ बुलंद करके ही रहेगा। शुरू करते हैं गजल कविता का सार और सहप्रसंग व्याख्या। स्टेंजा वाइज व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम स्टेंजा है, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है यह स्टेंजा। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनमें तय का मतलब होता है निश्चित, चिरागा यानी चिराग, दीपक यानी दिवाली, मयसर यानी उपलब्ध होना, दरखत यानी पेड़, साय यानी छाया। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल नामक कविता में से उद्धृत है। इसमें समाज के अभाव और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न किया गया है। कवि समाज की कुव्यवस्था पर दुख प्रकट करता हुआ कहता है, स्वतंत्र भारत में हमने सपना लिया था कि यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। अब तो पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाया है। कवि कहता है कि यहाँ के तो वृक्ष भी ऐसे हैं जिनकी छाया में छाया की बजाय धूप लगती है, अर्थात यहाँ के तो शासक भी ऐसे हैं कि जो सुख चैन देने की बजाय कष्ट ही कष्ट देते हैं। आज़ादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ भी नहीं किया। अब तो मन यह करता है कि यह देश छोड़कर कहीं और चले जाएं हमेशा के लिए। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा और आम आदमी के दुख को इन पंक्तियों में व्यक्त करने में सफल रहा है। चिराग और दरख्त आशा और सुव्यवस्था के सशक्त प्रतीक हैं।
मयस्सर चिरागा दरख्त साए उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गज़ल अपने स्वाभाविक रूप को पा सकी है। कवि का अंदाजे बयां तीव्र और धारदार है। कवि की निराशा में पलायन की बजाय निराशा का भाव अधिक है। भाषा में सहज प्रवाह और गतिशीलता है। विरोधाभास अलंकार का सशक्त प्रयोग हुआ है। साए में धूप लगना इस पंक्ति में विरोधाभास है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। चिरागा किसका प्रतीक है? चिरागा यहाँ समाज की सुख समृद्धि के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। दरख्तों के साए में धूप लगने का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इसका व्यंग्य यह है कि जो राजसत्ता और शासन व्यवस्था मनुष्य को सुख देने के लिए बनाई गई थी वही आज दुखदायी बन गई है। तीसरा प्रश्न है, कवि पलायनवादी क्यों बनना चाहता है? कवि व्यवस्था के दोषों में किसी सुधार की गुंजाइश नहीं देखता है, ना ही वह संघर्ष करना चाहता है, इसलिए वह ऐसी जगह से कहीं और भाग जाना चाहता है। दूसरे स्टैंजा में, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। मुनासिब का मतलब है योग्य या अनुकूल, हसीन नज़ारा यानी सुहावना दृश्य। इन पंक्तियों में भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले बताए गए हैं कि वे कभी भी अपने अभावों का रोना तो रोते ही नहीं हैं। यदि उन्हें पहनने को कमीज भी ना मिले तो अपने पांवों को मोड़ करके अपना पेट छुपा लेंगे, लेकिन इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि वो उन्हें कमीज नसीब नहीं है। उनमें विरोध की भावना खत्म हो चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं, यानी अगर लोग भले हैं तो उनकी सत्ता बहुत ही आराम से चल जाएगी, इसलिए ऐसे लोग सत्ता आसीन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है, भगवान भी उनके लिए कैसा है, केवल सपने के समान है। उनका खुदा पर रंज भर भी विश्वास नहीं है। विशेष बातें क्या हैं इन पंक्तियों की? कि कवि ने भारतवासियों की दबी कुचली आवाज़ पर कटाक्ष किया है। यहाँ की धार्मिकता यथार्थ से मुँह चुराने का एक साधन भर है। इस यथार्थ का मार्मिक अंकन हुआ है। पाँव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मनोहारी पड़ा है। दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ उनकी गजल लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। उर्दू शब्दावली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। छोटे छोटे स्वाभाविक शब्दों का बड़े ही प्रवाहपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पाँवों से पेट ढक लेने वाले लोगों के माध्यम से किन पर व्यंग्य किया गया है? यहाँ ऐसे परम संतोषी लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो गरीबी का भी विरोध नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में किस प्रकार के लोगों पर व्यंग्य है? इसमें परम संतोषी, ईश्वर पर विश्वासी और अध्यात्म लोक में सुख खोजने वाले लोगों पर व्यंग्य किया गया है। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार लोग खुदा के अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? कवि के अनुसार भारत के लोग खुदा पर ठीक से विश्वास नहीं करते। उनके लिए परमात्मा एक सुखद सपना है जिसकी कल्पना करके उनका जीवन आनंदपूर्वक बीत जाता है। थर्ड स्टैंजा,
वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलते जुबान शायर की, एक एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो हम अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मुतमईन का मीनिंग है इत्मीनान से, यानी विश्वस्त होकर। बेकरार का मीनिंग है बेचैन या व्याकुल। निजाम यानी शासक, सिल यानी सी, जुबान यानी आवाज़, शायर यानी कवि, एहतियात यानी सावधानी, बहर गज़ल का कोई छंद या शेर, गुलमोहर एक प्रकार के फूल लगे हुए पेड़ का नाम है, गैर यानी विरोधी या अन्य। समाज का शोषित वर्ग पूरी तरह से विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई संवेदना, दया, सहानुभूति है ही नहीं। लेकिन कवि का विश्वास है कि अगर आपकी आवाज़ में दम है तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे, इसलिए मैं दीन दुखियों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जब शायर चुप रहें और व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ ना उठाएं। उनके शासन के लिए यह सावधानी जरूरी भी है, लेकिन हमें भी ज़माने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को उचित रूप से बुलंद किए रखना है। हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए। यानी कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है और हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। पंक्तियों में कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। वह सामाजिक गति के लिए व्यग्र है। उसे विश्वास है कि जन आंदोलन के हर परिवर्तन के लिए कोशिश करनी चाहिए। आशावादी दृष्टिकोण उनका इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है। भाषा ओज विश्वास और साहस से परिपूर्ण है। गज़ल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का बहुतायत से प्रयोग कवि ने इसमें किया है। कवि की शैली लाक्षणिक है। पत्थर पिघलना, शायर की जुबान सिलना आदि प्रयोग अनूठा अर्थ, प्रभाव और बिंब बनाते हैं। मैं और तू की शैली भी मार्मिक बन पड़ी है। गुलमोहर प्रतीक का प्रभावी प्रयोग हुआ है। भाषा की रवानगी देखने योग्य है। गैर की गलियों में मरने का बिंब भी प्रभावशाली है। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मुतमईन शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। मुतमईन का अर्थ है विश्वास से भरे, दृढ़ निश्चय वाले। दूसरा प्रश्न है, वे का प्रयोग किसके लिए किया है और पत्थर क्यों नहीं पिघल सकता। वे का प्रयोग आम शोषित पीड़ित जनता के लिए किया गया है। उनका विश्वास है कि उच्च वर्ग के लोग पत्थर के समान कठोर और क्रूर होते हैं। वे कभी गरीबों के प्रति दया नहीं करेंगे। उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तीसरा प्रश्न है, कौन शायर की जुबान बंद करने देना चाहते हैं और क्यों। सत्ताधारी और पूंजीपति शोषक लोग शायर की जुबान बंद कर देना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि वे अपनी शोषण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न है, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है और वह बेकरार क्यों है। मैं का प्रयोग संघर्षशील कवि के लिए किया गया है। वह अपनी वाणी द्वारा अत्याचारियों के हृदय का परिवर्तन करना
चाहता है, वह उन्हें दया और करुणा से भरना चाहता है। प्रश्न है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ है, समझाकर लिखें। गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार पेड़ होता है, लेकिन यहाँ सपनों के भारत का प्रतीक बनकर प्रयुक्त किया गया है। कवि ऐसे भारत के लिए जीना चाहता है जो आदर्श है, मनोरम है, सुखद है। इसके लिए यदि उसे बेघर बार भी होना पड़े तो भी वह अपने सपनों को पूरा करना चाहेगा। वह घोर अत्याचारियों से संघर्ष करते हुए मरना चाहेगा। प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? दोनों बार चिराग शब्द रोशनी के लिए आया है, पहली बार चिरागा शब्द बहुवचन है, अतः इसका अर्थ है ढेर सारी रोशनी या अत्यधिक सुख सुविधा। कवि हर घर में ढेर सारी खुशियां देखना चाहता है। दूसरी बार जो शब्द आया है वो चिराग शब्द छोटे से एकमात्र सुख का प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि अब तक पूरा समाज एक नन्हे से सुख के लिए तरस रहा है, किसी को भी नई रोशनी नहीं मिल सकी है। दोनों बार आया एक ही शब्द अपने अपने संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रभाव रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।